ऐतिहासिक तथ्यों से खिलवाड़ कर अगर राष्ट्रमाता पद्मावती जी उनके सम्मान के खिलाफ जिस फिल्म में दृश्य दिखाया गया बात कही गई है, उस फिल्म का प्रदर्शन मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। जो नाक काटने की बात करते हैं, जो 5 करोड़ रुपए संजय लीला भंसाली की गर्दन काटने के लिए कहते हैं, मित्रों अगर हमें 10 करोड़ भी देने पड़े तो क्या हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मेरे भाइयों, मैं आपको भड़का रहा नहीं हूं, ये हमारी संस्कृति है। अगर क्षत्रिय दिल पे ले लिए, अगर क्षत्रिय दिल पे ले लिए तो ये भंसाली रहो या कोई भी कुत्ता रहो, उसका नामो निशान खत्म करने की क्षमता हम क्षत्रियों में है। इस जमीन से, इस महाराष्ट्र की जमीन से खुली चुनौती है। तू मूवी रिलीज करके दिखा दे 1 तारीख में, 34 तारीख पे कर रहा है, और सीधे सभी सिनेमाघरों के थिएटर्स के मालिकों कह देना चाहता हूं, हर वो सिनेमा हॉल चलेगा जहां पद्मावती मूवी चलेगी। वो क्या जाने जौहर को जिनके रोज सोहर बदलते हैं। अरे लीला भंसाली, तुम पैसे के लिए अपनी बेटी को नचा सकते हो, अपनी माँ को नचा सकते हो, तुम क्या जानते हो? न कि कोई व्यक्ति ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके अपने स्वयं के व्यावसायिक हितों के लिए समाज में आग लगाने का कार्य कर रहा हो, इसको हम कोई भी अपनी मान्यता नहीं दे सकता है। जब तक पद्मावती फिल्म से में से विवादित हिस्से को नहीं निकाला जाएगा, हम उत्तर प्रदेश उसका प्रदर्शन नहीं होने देंगे। यह भी मैं यहाँ पर कह करके जा रहा हूँ।